और सबसे बड़ी बात, केंद्रीय महासभा जिन्होंने पहली बार चंडीगढ़ में प्रतियोगिता का आयोजन की शुरुआत की थी, वहां पर भी माननीय जजेस राजन जी 3 बार जज रह चुके हैं और इन्होंने जो भी निर्णय उस समय लिया वे बहुत ही बढ़िया निर्णय इनके रहे हैं। तो आज भी हमें आशा है जो भी निर्णय इनका होगा वो बहुत ही बढ़िया होगा और बड़ी निष्ठा के साथ इन्होंने लिया होगा। तो राजन जी, आपका श्री राम सुक्त महासभा की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद और इस मंच पर स्वागत। अब मैं अपने दूसरे जज को मंच पर बुलाना चाहूंगा। ये एक ऐसी शख्सियत है जो कई वर्षों से थिएटर जगत के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही उम्दा कलाकार, बहुत ही उम्दा अदाकार, कई बॉलीवुड मूवीज, पलटन जो अभी कुछ ही समय पहले मूवी आई थी बॉलीवुड की, उसमें इन्होंने भूमिका निभाई थी, कई पंजाबी मूवीज, हिंदी मूवीज और अन्य भाषाई मूवीज में इन्होंने काम किया है। तो मैडम मधु हमारे आज के दूसरे जज और मधुबाला हमारे आज के दूसरे जज और ये रामलीला से भी 20 वर्षों से जुड़े हुए हैं। इन्होंने हाईटेक रामलीला में केकई का किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है। तो मैं इन दोनों जजिस का इस मंच पर श्री राम सुक्त महासभा की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। तो एक बार दोनों जजिस के लिए जोरदार तालियां, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। तो दोनों ही जजेस रामलीला से काफी वर्षों से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमने इन्हें यहां पर अपने मंच पर जजेस के लिए निमंत्रण दिया। तो मैं आप अपने आखिरी शब्दों के साथ ये माइक अपने दोनों जजेस को दे रहा हूं और अगर एक माइक और मिल जाए जोली जी तो दोनों जजेस के पास हो जाएगा और कुछ ही पलों में ये अपना निर्णय सुनाएंगे। तो हमारे पदाधिकारी अमित गोयल जी, वरिष्ठ प्रधान अध्यक्ष मोनू शर्मा जी, कैशियर राजीव गांधी जी, संजीव सूद ज्वाइंट सेक्रेटरी, प्रधान प्रदीप कंसल जी मंच पर आए और जैसे ही हमारे जजेस इनाम की घोषणा करें आप अपने हाथों से वो इनाम सभी संस्थाओं को दे और सभी संस्थाओं से एक गुजारिश कि जिस भी टीम का नाम अनाउंस किया जाएगा सिर्फ 2 ही लोग उस संस्था से मंच पर आए क्योंकि उसके बाद सभी टीमों को मौका दिया जाएगा। हमारे फोटोग्राफर और मूवी वाले यही हैं, आप अपनी संस्था के साथ पूरी फोटो पूरे मंच पर खिंचवा सकते हैं। तो 2 ही लोग पूरी संस्था से आए। तो लीजिए मैं माइक जजेस को दे रहा हूं। बोलो श्री रामचंद्र महाराज की। बहुत आवाज कम है, थोड़ा जोर से लाउडली थोड़ा सा बोले। बोलो श्री राजा रामचंद्र महाराज की। मैं राजन शर्मा श्री राम संयुक्त महासभा के सभी पदाधिकारियों का बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे आज इस मंच पर जज बनने का मौका दिया और हमने भगवान को श्री रामचंद्र जी की पहले दिन इन्होंने रवि जी ने हमें कसम दिलाई थी और उसी को मद्देनजर रखते हुए वही कसम हमने ली थी और जो भी हमने निर्णय लिया है बड़ा सोच समझ के लिया है और मैं ये आशा करता हूँ कि आप भी इस निर्णय से पूरी तरह से सहमत होंगे। मैं श्री राम संयुक्त महासभा मेंबर्स चेयरमैन श्री मोनू शर्मा जी, प्रधान श्री प्रदीप कांसल जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री अमित गोयल जी और रवीश गौतम जी जनरल सेक्रेटरी जिन्होंने बहुत मेहनत की है इस कंपटीशन के लिए, मेरे यूनिवर्सिटी में खुद ये 3-4 बार मेरे पास चक्कर लगा चुके हैं और जितना इन्होंने मेहनत की है मैं बता नहीं सकता उसके बारे में आपको। तो मैं नाम अनाउंस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूं अनाउंस कॉन्सोलेशन टीम प्राइज। ये 7 अगस्त को कंपटीशन हुआ था, उसमें सीरियल नंबर 3 रावण हनुमान संवाद एंड लंका दहन ये इनको जाता है। 7 अगस्त को सीरियल नंबर ऑफ द टीम 3 रावण हनुमान संवाद एंड लंका दहन।
कॉन्सोलेशन टीम प्राइज हेलो सीरियल नंबर ऑफ द टीम 3 रावण हनुमान संवाद एंड लंका दहन ये कॉन्सोलेशन टीम प्राइज श्री रामलीला युवा क्लब पंचकुला सेक्टर 4 थर्ड प्राइज जाता है ये 8-10 यानी कि आज सीरियल नंबर ऑफ द टीम 2 सीता वनवास जय भारत ड्रामेटिक क्लब सेक्टर 26 जय भारत ड्रामेटिक क्लब सेक्टर 26 सेकेंड प्राइज 8-10 को आज हुआ है सीरियल नंबर ऑफ द टीम 6 माता सीता की अग्नि परीक्षा ध्यान दें श्री आदर्श रामलीला ड्रामेटिक क्लब पंचकुला सेक्टर 5 श्री आदर्श रामलीला ड्रामेटिक क्लब सेक्टर 5 पंचकुला
अब आ रहे हैं जी बेस्ट एक्टर इन मेल करेक्टर। 7-10 को कंपटीशन हुआ, सीरियल नंबर ऑफ द टीम 4, अंतिम चरण में रावण जी को। बेस्ट एक्टर मेल। करेक्टर 8-10 को सेक्टी नंबर 3 माता सीता बनवास। माता सीता जी को जय भारत ड्रामेटिक क्लास सेक्टर 26 सेक्टी नंबर 3। एक्ट्रेस है जी ये जय भारत ड्रामेटिक क्लास सेक्टर 26। तालियां जरा जोर से बजाइए। बेस्ट एक्टर फीमेल करेक्टर 8-10 को सेकंड 3 माता सीता वनवास में, माता सीता को जा रहा है।